नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी के बाद अब डेंगू ने दस्तक दे दी है। प्रदेश में लगातार इसके मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश के प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में लगातार इसके मरीज सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग अब कोरोना के बाद डेंगू से लोगों को बचाने में जुट गया है। दरअसल प्रदेश के अनेक हिस्सों में कभी बारिश और कभी धूप की वजह से मच्छरों की संख्या लगातार बढ़ना भी इसकी वजह मानी जा रही है। कोरोना के बाद भोपाल में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सोमवार को 12 मरीज मिले हैं। यह इस साल में एक दिन में सर्वाधिक आंकड़ा है। चिकनगुनिया के 4 मरीज मिले हैं। अब तक मिले मरीजों में 40 का निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने बताया कि डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज साकेत नगर, बाग सेवन या कोटरा में मिल रहे हैं। चिकनगुनिया के 4 मरीज मिले हैं। अब तक मिले मरीजों में 40 का निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने बताया कि डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज साकेत नगर, बाग सेवन या कोटरा में मिल रहे हैं। करीब 10% घरों में लार्वा मिल रहा है। इसके बाद भी नगर निगम की तरफ से मकान मालिकों पर जुर्माना नहीं किया जा रहा है। पिछले सालों में कुछ मकान मालिकों के यहाँ एक साल के भीतर कई बार लार्वा मिलने पर 200 से लेकर 5000 रुपए तक जुर्माना किया गया था। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।